अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हमेशा की तरह सबसे पहले यही बोलूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। और लाइक करना मत भूलिएगा, हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यही बोलूँगी हमेशा की तरह कि अपने राइटर को सपोर्ट करें। वो अब टाइम के टाइम मतलब एपिसोड पोस्ट कर रही हैं, लेकिन उन्हें वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझसे ये बात की है कि अगर आप मुझे रिस्पांस ना मिला तो शायद मैं ये नावल यहीं पर रोक दूँ, क्योंकि जब उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा तो फ़ायदा क्या लिखने का। उनके पेपर्स भी हो रहे हैं, उसके बावजूद वो इतनी मेहनत कर रही हैं, तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं अपनी राइटर के साथ। मुझे तो आपकी राइटर्स से एक से ज़्यादा मुझे आप सब पर गुस्सा हूँ कि वो टाइम पर एपिसोड पोस्ट कर रही हैं और आप एक क्या एक कमेंट भी नहीं कर सकते, एक लाइक भी नहीं कर सकते। क्या आप नावल रीड कर लेते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते कि आपको नावल कैसा लगा, उसमें मतलब कौन सी एपिसोड मतलब कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा सीन आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बताते। तो जब उन्होंने पोस्ट करना बंद कर दिया, फिर आप कहेंगे नेक्स्ट एपिसोड दे दें, नेक्स्ट एपिसोड दे दें। तो फिर जब एक राइटर को रिस्पांस नहीं मिल रहा तो फिर वो नेक्स्ट एपिसोड कैसे देंगी, जब आप उनकी नहीं मान रहे तो वो आपकी कैसे मानेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस एपिसोड पर रिस्पांस देंगे। आज के एपिसोड रीड करते हैं। पापा आप यहाँ, रीजा सामने देखते हुए बोली। वो जो इन लम्हात में खोया हुआ था कि रीजा की बात पर फ़ोन पीछे हुआ और मुड़ कर पीछे देखा तो कोई नहीं था, उसके पीछे होते ही रीजा फ़ोन वहाँ से भागी। जबकि अजीश उसकी चलाकी पर अब उसे वहाँ से जाते देख रहा था, जिसने पीछे मुड़ के एक दफ़ा भी देखने की जहमत नहीं की थी। भाग लो जितना भागना है रीज, आना तो तुम्हें मेरे पास ही। वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ। वो छत पर आई तो उसकी पूछते देखते हुए बोली थी, जो ग्रिल पर अपने दोनों हाथ रखे नीचे के मनाजिर देखने में मसरूफ़ था। कस्बा की आवाज़ पर वो फ़ौरन पीछे मुड़ा। कस्बा तुम आ गई, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने आओगी। वो फ़ौरन खुशी से उसकी तरफ लपका। कल से जिसे देखने और बात करने के लिए बेकरार था, उसे सामने देखते ही उसे सुकून मिला था। जो मेहंदी की ड्रेस में येलो दुपट्टे से ही चेहरे पर नकाब किए वो उसके सामने खड़ी थी, जबकि फिजान का हुलिया उसके बरक्स बिखरा हुआ था। वो उसकी आंखें रोने की चुगली खा रही थी। उस दिन से वो उससे बहुत मुख्तलिफ लगा था। मैं कोई खुशी से यहाँ नहीं आई, बल्कि आपकी धमकी देने पर यहाँ आई हूँ, वो बेरुखी से बोली। कस्बा तुमने मंगनी क्यों तोड़ी, उसकी बात पर उसके मुस्कुराते होंठ सिक रहे थे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत मुतवजा करते उससे इस्तेसार कर रहा था। क्योंकि मिस्टर फिजान, मुझे इनकार करने का पूरा हक है, ये हक मुझे इस्लाम ने दिया है, वो उसकी तरफ देख कबार कराते हुए बोल। लेकिन कस्बा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब से तुम्हें देखा है एक पल के को सुकून नहीं मिल रहा। मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन जब आगे जाने मंगनी तोड़ने की बात की, मुझे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। दिल कर रहा था अगर तुम ना मिली तो खुद को कुछ कर लूँगा, उसके बाजू पकड़ते रोते हुए बोला। ये क्या बदतमीजी है फिजान, छोड़े मुझे, मैं आपकी नहीं हूँ, हनान की हूँ, और मैं हनान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कल मेरी उनके साथ शादी है और आज आप ये सब कर रहे हैं, उसके बाजू पकड़ने पर वो भड़की थी और गुस्से से उसके हाथ झटकते हुए बोला ना, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ नहीं आ रहा, तुम सिर्फ फिजान शाह की हो और तुम्हारी शादी भी फिजान शाह से होगी, वरना मैं इस शख्स को जान से मार दूंगा जिसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। उसकी बात पर फिजान की रगे उसे सतनी थी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते, उसके नकाब के ऊपर से ही अपनी नाक को उसकी नाक के साथ मिलाते अच्छे से भाग जाते हुए बोल, नहीं प्लीज़ खनान को कुछ मत कहिएगा। उसके गुस्से से वो सहमी में सही वो सही मानी में डर गई थी, इसलिए होफ से कांपते लबों से रोते हुए बोली, जबकि आंखें तो फिजान की भी भीगी हुई थी। कस्बा प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत खुश रहूँगा तुम्हें, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो आंखें मोते बेबसी से आंसू बहाते हुए बोला, जबकि उसका वजूद उसकी नज़दीकी और होफ के मारे कांप रहा था। हनान जब मुस्कुराते हुए छत पर आया था, सामने का मंजर देखते ही उसका पारा हाई हुआ था, गुस्से से अपने दोनों हाथों की मिठियों को बेचा था। वह एक पाल की भी तहरी किए बगैर उनकी तरफ लपका और फिजान को झटके से कस्बा से दूर करके उसके मुंह पर गुस्सा चाट दिया। एक पाल के लिए कस्बा को भी समझ नहीं आया था हुआ क्या था, अभी वो उससे भी नहीं संभला था कि हनान ने उसे मारता चला गया। पलट का वार वो भी काट सकता था, लेकिन वो तो बस रोती हुई कस्बा को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक पाल भी नजर नहीं हटा रहा था। यही बात हनान को और तव दे रही थी, उसका गुस्सा और बढ़ा रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कस के नज़दीक जाने की, मेरी कस से नज़रें हटाओ वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, हनान उसके पेट पर मुंह पर मुक्कों की बरसात करते हुए बोला, जिसके मुंह और नाक से खून निकल कर बह रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस यकटक अपनी मोहब्बत अपने जुनून को हरी बार जी भर कर देख रहा था। कस्बा जो दूर खड़ी रोते हुए ये सब तमाशा देख रही थी कि उसे अब फिजान की हालत पर तरस आया था। वो फौरन ये सब रोकने के लिए आगे बढ़ी।
हनन प्लीज बस कर दें, क्यों यहाँ मेरा तमाशा बना रहे हैं? वो रोते हुए हनन को कंधे से पकड़ कर रोते हुए बोली, तमाशा मैं बना रहा हूँ या यहाँ पर तुम दोनों बना रहे थे? आपकी बारो कुशवा को कंधों से पकड़ कर गुस्से से भड़कते हुए बोला। कंधों पर होती तकलीफ के मारे उसने अपने लब आंखें मींची थी। ये क्या तरीका है बात करने का? छोड़ो उसे, वो तकलीफ में है। उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात देखकर फिजान के दिल को कुछ हुआ था, इसलिए वो गुस्से से हनान की तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या है कमीने इंसान, मैं अपनी कस को तकलीफ दूँ या ना दूँ? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वो सिर्फ मेरी है। उसे तकलीफ देने का, हंसाने की या फिर प्यार करने का सिर्फ मेरे पास हक है। अगर किसी ने इसमें मदाहलत की तो जान से मार दूंगा मैं उसे। उसकी बात पर वो कस्बा को छोड़कर गुस्से से उसके बावर कराते हुए बोला, दोनों की आंखें गुस्से से थी, जैसे एक दूसरे को जान से मार देंगे। इस वक्त दोनों में से कोई भी काम नहीं लाग रहा था। प्लीज फैजान अब चले जाएं यहाँ से, प्लीज। इससे पहले कि आपकी बार फैजान भी कोई जो भी कार्रवाई करता कि कस्बा फौरन उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए बोली। फैजान ने एक नज़र उसे देखा और फौरन हनान को पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से चला गया। हनान मेरी बात बस कस कस, अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे पहले ही बता देती कि मैं तुम्हें अच्छे से समझाता, तुम सिर्फ मेरी हो। उसके बोलने से पहले ही वो गुस्से से बोला, आप ये क्या कह रहे हैं? वो आंखों में हैरत लिए बोली। उसे गुस्से से ज़्यादा उसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी देख कर तकलीफ हुई थी। सही कह रहा हूँ कस, अगर तुम दोबारा उस कमीने से मिली ना तो कसम उठाता हूँ जान से मार दूंगा उसे। तुम सिर्फ मेरी हो, ये अपने जहन में बैठा लो। हनान को कुछ समझ नहीं आया था वो गुस्से में क्या कुछ बोलता जा रहा था। उसके जहन से वो सब निकल ही नहीं रहा था जब कस्बा उसके बहुत नज़दीक थी। हनान आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो आंसू बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख कर इस्तफसार कर रही थी। कस मैंने जो देखा वही बोल रहा हूँ, तुम उसे अपने नज़दीक भी आने कैसे दे सकती हो? बताओ कस। अगली बार वो ज़ोर से उसका बाजू पकड़ के अपने रूबरू करते हुए बोला, हनान जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसने रोते हुए एक दफ़ा फिर गलतफहमी दूर करनी चाहिए, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ और जो कुछ आज हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वह झटके से उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला, मुझे नहीं करने आपके साथ शादी, आप बिल्कुल भी नहीं अच्छे, बहुत बुरे हैं आप। वह रोते हुए बोलकर फौरन वहां से चली गई। उसे हनान के इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी उसके साथ ऐसे बात करेगा। उसके जाते ही हनान ने गुस्से से अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा था। फेरी बाहर आ जाओ, हमें लिफ्ट मिल गई है, वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए बोला, जो और बैठे बैठे सो गई थी। अफान की आवाज़ पर उसने हल्के हल्के अपनी आंखें खोली। अभी गाड़ी से बाहर निकलती कि अफान ने फौरन उसे रोका, एक मिनट फेरी, अगर तुम ऐसे एकदम से बाहर निकली तो सर्दी लगेगी। वो उसके कंधे पर पड़ी जैकेट को उसे पहनाते और आगे से उसकी जीप को बंद करते हुए फिक्रमंद लहजे में बोला, जबकि निर्मल उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। अब वो उसका हाथ पकड़ उसे बाहर निकालते एक गाड़ी की तरफ ले कर गया, जहाँ ड्राइविंग सीट पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। हेलो निर्मल के गाड़ी में बैठते ही वो लड़की अपना चश्मा ऊपर कर के उसे मिरर मैं देखते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम। उसके हेलो बोलने पर रिमल ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। इस लड़के ने फौरन शर्मिंदगी का हमारे जवाब दिया। रिमल का पारा तो तब हाई हुआ जब उसने अफान को आगे वाली सीट पर उसके साथ बैठे देखा था। अच्छा हुआ बेला तुम भी मुझे मिल गई, वरना पता नहीं हम कब तक लिफ्ट का इंतजार करते रहते। वो बेला की तरफ देखते हुए बोला, ओ कमान अफान, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, तुम शायद भूल रहे हो हम दोस्त भी हैं। वो गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, रिमल एम बेला, जब अफान इस्लामाबाद में था तो मैं उसके साथ ऑफिस में काम करती, ये मेरा बॉस होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी है। वो मिरर में निर्मल के चेहरे पर गुस्से और हैरानी की तसवीर देख कर फौरन अपना तरफ कराते हुए बोले, जबकि निर्मल ने सिर्फ हाँ सरा में सर हिलाने पर इतफाक़ किया था। पता नहीं क्यों उसे अफान का बेला के साथ बैठना और फ्रैंकली अंदाज में बात करना अच्छा नहीं लगा था। अफान मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को तुम्हारा मेरे साथ फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगा। बेला ने फौरन मोबाइल उठाकर लिस्ट में उसका नंबर ढूंढते उसे मैसेज किया था, जिसे पढ़ते ही अफान ने फौरन मिरर में अपनी फेरी को देखा जो खां जाने वाली नज़रों से बेला को देख रही थी। यह सब देख रही उसने बमुश्किल अपना कहकर रोका था, बेला तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। आपकी बहुत जान बूझ कर बेला का हाथ पकड़ के उसकी तरफ देख कर बोला, जबकि बेला ने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा कि वो कह क्या रहा था, बल्कि अभी तो उसने उसे मैच करके बताया कि उसकी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा। उसके देखने पर उसने बेला को एक आंख विंक की कि वो भी उस खेल में उसका साथ दे, लेकिन बेला इतनी खूबसूरत लड़की का दिल कैसे दुखा सकती थी, इसलिए उसने अपना हाथ खींचते हुए इनकार में सर हिलाया। मैं जानता हूँ बेला कि जब से इस्लामाबाद से गया हूँ तुम्हें भूल गया था, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें मना लूंगा। वो दोबारा उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आपकी बार उसके चेहरे पर इल्तिजा जिसे ना चाहते हुए भी वो इनकार ना कर पाई थी और उसका साथ देने के लिए मान गई। नहीं अफान, मैं भी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, ये कहते ही उसने उसका
वही हाथ ऊपर ले जाते अपने होंठों से लगाया था। वो जो पहले ही गुस्से से ये सब देख रही थी कि बेला की हरकत ने उसे आग बुगोला कर दिया था। कहता है तुम सिर्फ मेरी फैरी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, झूठा कहीं का। पता नहीं मेरे अलावा कितनी लड़कियों को डेट मार चुका है, वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली। उनको एक दूसरे से हंस कर बातें करना निर्मल को जलन में इब्तला कर रहा था। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए कभी वो अपने हाथों की मुठियाँ बीनती, कभी खोलती, कभी अपनी गर्दन में हाथ फेरती, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये सारी कार्रवाई अफान मिरर से देख रहा था। उसका जलन और गुस्से से सुरसुर होता चेहरा उसे हंसने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन वो भी उसे जलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब मज़ा आएगा फेरी, इस खेल में खेलते हैं, पर तुमने भी तो मुझे बहुत सताया है ना, अब मेरी बारी। में मुस्कुराता है दिल ही दिल में बोला। बातों बातों में वो कब अपनी मंजिल पर पहुंच गई उन्हें पता नहीं चला था, जबकि रिमल पूरे रास्ते जल्दी करती रही थी। हाँ बस बेला यहाँ इसी होटल में रोक दो, अफान सामने देखते फौरन बोला। अफान तुम यहाँ होटल में स्टे करोगे? मेरे घर होल के होते हुए मैं तुम्हें कैसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, बेला गाड़ी रोकते ही फौरन बोले। जी आपका बहुत शुक्रिया, हम होटल में ही स्टे करेंगे, हमारी अभी शादी को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे और अफान मेरे शोहर हैं, हम यहाँ हनीमून मना पर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप एक कपल को अकेले वक्त स्पेंड करने का मौका जरूर देंगी। अफान के बोलने से पहले वो नाश्ता बोलती चली गई, क्योंकि अब उसकी बस हो गई थी, वो अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शोर होने पर उसने जानबूझ कर जोर देकर उससे बहुत कुछ बात कराया था, लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद उसे एहसास हुआ था वो जल्दी में क्या बोल गई थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जुबान से निकले हुए अल्फाज वो वापस नहीं ले सकती थी। वो फौरन नजरें चाहते हुए गाड़ी से उतरी, क्योंकि अब वो अफान का सामना करने से कतरा रही थी। जबकि अफान आंखें फैलाई बस उसे देख रहा था, उसे बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी उसकी फैरी इतना कुछ बोल देगी। उसने अपना थोड़ा मुंह साइड पर करके अपनी हंसी को बमुश्किल रोका था, ताकि रिमल को शक ना हो। हंसी तो बेला को भी आई थी। कोई बात नहीं रिमल, मैंने तो वैसे ही कहा था, चलो अफान फिर मुलाकात होती है, वो नरमले अंदाज में रिमल को बोलकर अब अफान की तरफ देख कर बोल। लेकिन जाते हुए वो उसे एक आंख करना नहीं भूल रही थी, अब उसका ध्यान रिमल की तरफ था जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। उसने नफी में सर हिलाते हुए अपनी मासूम फैरी को देखा और उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ा। या अल्लाह रिमल, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना कुछ कहने की? अब यह शख्स वैसे ही हुशफहमी में मुबतला हो जाएगा, मुझे तंग करने से भी बाज नहीं आएगा। उफ उफ, कैसे इतना सब कुछ बोल दिया, वो इसके साथ चलते दिल ही दिल में बोली। कमरे में आते ही वो बेड पर उंधे मुंह गिर कर रोने लगी थी। वो हनान को बोल तो आई थी कि उसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा वो चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी अब हनान से मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन उसका गुस्सा और शक करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो उसका हमेशा से सिर्फ नरम लहजा देखती आई थी, लेकिन आज सच में उसके गुस्से से डर गई थी। रिजा जो अभी वॉशरूम से नहा कर कपड़े चेंज करके निकली थी कि बेड पर उंधे मुँह लेटे कस्बा को हिचकियों से रोते देखकर फौरन उसकी तरफ लपकी थी। कसू मेरी जान, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? वो उसके पास बैठते हुए उसे कंधों से पकड़ के सीधा बैठाते हुए बोले। रिजा वो फौरन रोते हुए उसके गले लगी। कसू मेरी जान, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? वो पीछे से उसकी कमर से हिलाते हुए बोली। रिजा हनान मुझसे नाराज़ हो गए हैं, वो अब कभी बात नहीं करेंगे, वो हिचकियों से रोते हुए बोली। उफ कसू, बस इतनी सी बात यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो लंबा सांस हवा में खारिज करते हुए मुस्कुराते हुए बोले। मेरी जान इधर देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो, हनान भाई तुमसे नाराज़ ही नहीं सकते। वो उसे अपने से अलग करके प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए बोले। इससे पहले कस्बा जवाब में कुछ बोलती कि उसी वक्त दरवाजा नाक हुआ। कस्बा में हैनान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रिजवा, रिजा के पूछने से पहले ही वो बाहर से बोला था। लो आ गया तुम्हारा आशिक, बोला था ना वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हनान की आवाज़ में मुस्कुराते हुए कस्बा की तरफ देखकर बोली। आ जाए हनान भाई, रिजा ने फौरन इजाजत दी। वो अंदर आया तो उसने एक नज़र बेड पर बैठी कस्बा की तरफ देखा, जो बेड पर बैठे रोने का शुगल फरमा रही थी। क्या हनान भाई, आप क्यों कस से नाराज़ हुए? पता है कि आपकी ज़रा सी नाराजगी पर कस्बा ने रो रो के अपनी इतनी बुरी हालत कर ली है। रिजा फौरन शुक्र करते हुए बोली। चुटकी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अकेले में एक हिस्से बात कर सकता हूँ? उसकी बात को नज़रअंदाज करके वो मुसलसल ये कस्बा की पर ही नज़र जमाए बोला। नहीं रीजा, इनको बोला मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, नहीं करनी, में वो सुसु करती बोली, जबकि रीजा की आंखें हैरत से फैली थी कि अभी तो उसकी नाराजगी का सुनकर रो रही थी, लेकिन जब वो अब खुद बात करने आया था तो उसने सिरे से ही इनकार कर दिया। हनान भाई, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या बात हुई है कि कस्बा इतना रो रही है, लेकिन इतना जानती हूँ आप उसे मना लेंगे, इसलिए अभी इसके लिए कमरे से जा रही हूँ ताकि आप सुकून से बात कर लें। वो उनकी तरफ देखकर फौरन कमरे से चली गई। उसके जाते ही अब हनान भी कस्बा की जाना बड़ा और उसके पास ही बेड पर जाकर बैठ गया। कस नाराज़ हो मुझसे? वो थोड़ी सी उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, जो बस खिचकियों से रो जा रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया। आप मुझे पर शक किया था, आप
ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख कर बोली, कस तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती, मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के पास, और तुम उसके बहुत करीब खड़ी थी, फिर कैसे मैं वो सब बर्दाश्त करता? तुम ऐसे कैसे किसी को अपने नज़दीक आने दे सकती हो? वो इसकी तरफ देख कर हत्ता मुकद्दर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोल, क्योंकि वो सब बार बार उसकी नज़रों से के सामने आ रहा था, जिसकी वजह से हनान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आई एम सॉरी हनान, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसने कहा, वो आपको मुझसे छीन लेगा। वो फ़ौरन उसके गले ला के सीने पर सर रखते हुए बोली, कस जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हनान की कस को हनान से दूर करे। वो पीछे से उसके बाल और कमर से हिलाते हुए बोला, हनान प्लीज़ मुझ पर कभी शक मत कीजिएगा और ना मुझसे नाराज़ होइएगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो उसकी कमर पे अपने दोनों हाथ की पकड़ सख्त करते हुए बोली, उसकी इस हरकत पर हनान के होंठों पर मुस्कान फैल गई। अच्छा तो फिर छत पर तो तुम मुझे धमकी देकर आई थी कि मैं बहुत बुरा हूँ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। वो उसे अपने से अलग करके होंठों पर शायद बड़ी मुस्कान लिए बारूक कराते हुए बोला, वो मैंने गुस्से में कहा था, तो क्या आप सच में मुझसे शादी नहीं करेंगे? वो अपनी आंखों की उठती गिरती जालर से उससे इस्तफसार कर रही थी, इतनी मुश्किल से तो हम मिल रहे हैं, कल हमारी शादी है, हम एक हो जाएंगे, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, सिर्फ हनान की कसवा हनान। मैं इतनी प्यारी लड़की से शादी करने से कैसे इंकार कर सकूँ? वो अपने हाथ की पूछ से उसके गाल सहलाते हुए बोला, हनान मुझे आज बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर प्लीज़ मुझ पर कभी शब मत कीजिएगा। वो दोबारा से अपने आंखों में आंसू लिए बोले, नहीं मेरी जान, अब तुम रोओगी, अब तो नहीं रोओगी। आई एम सॉरी कस, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। वो गालों पर बहते उसके आंसू साफ करते माजरती लहजे में बोला, अब कि वो थोड़ा झुका और उसकी साइड गाल पर अपने होंठों से बोसा दिया था, जबकि कसवा ने सख्ती से सीने से उसकी शर्ट को अपने हाथों की मुठ्ठियों में को बिंचा था और आंखें मोंद ली। उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज हुई थी। खनान प्लीज़ मत करें, वो लंबे लंबे सांस लेती वो मुश्किल बोली। वो जवाब उसकी गर्दन पर झुकने वाला था कि उसकी बात पर उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। उसने वहाँ सीधा होकर शर्म के मारे उसके सुर गालों को देखा, जो आंखें मीचे अपने धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरी मासूम कस्बा, उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला, आपकी बार कस्बा ने अपनी आंखें खोली तो नज़रों का तनासब हुआ। उसने फ़ौरन नज़रें झुका नीचे की, क्योंकि उसकी आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अगर बात कर ली है तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, बाहर से रीजा दरवाज़ा नाक करते हुए बोले। आ जाओ चुटकी, उसने फ़ौरन वहाँ से खड़े होते मुस्काते हुए रीजा को अंदर आने की इजाज़त दी। इजाजत मिलने पर वो अंदर आई तो उसकी पहली नज़र कस्बा पर गई, जो शर्माई शर्माई सी सख्त कंफ्यूज लग रही थी। उसे अब बेहतर और खुश देखकर उसके होंठों पर मुस्कराहट फैल गई। ओके चुटके, गुड नाइट हनान, उसके बाल भी घेरते फ़ौरन वहाँ से चला गया। कमरे में जाते ही रिमा फ़ौरन अपना हाथ उसे छुड़ाते वाशरूम में जाकर बंद हो गई थी, क्योंकि वो जो कार चुकी थी अब उसका अफान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जबकि वो इतनी स्पीड से भागी थी कि अफान ने ना चाहते हुए अभी अपने कहके को रोक नहीं सका था। वो उसका भरपूर कहका कमरे में गूंजा था, जो वाशरूम जाती रिमल ने जरूर सुना था, उस जिसके वजह से उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। उसका दिल कर रहा था उसकी जान ले ले, फेरी और कितनी देर वाशरूम में लगाओगे, तुम्हें पता तो है हम हनीमून पर आए हैं, तुम बाहर आओगी तो हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना। वो दोनों टांगें जमीन पर लटकाए बेड पर लेटे अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे उसे वाजा देते हुए बोला, जबकि होंठों पर शरारत बड़ी मुस्कुराहट बरकरार थी। उसे वाशरूम में गए हुए पूरे 20 मिनट हो चुके थे। या अल्लाह, ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है, ये जिस काम के लिए यहाँ आया उस काम के लिए जाए फिर जाए भी यहाँ से, अभी तक यहाँ क्यों बैठा है? वो जो सोच रही थी उसके कमरे से जाते ही वॉशरूम से बाहर निकलेगी, लेकिन उसे अभी तक कमरे में देख और अल्लाह से शिकवा कर हुए बोली, जबकि ये सब किया दरा उसी का था, लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली है। और वो चला गया। बाहर से कदमों और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर वो खुश होते हुए बोली। अब उसने हल्के से दरवाज़ा खोल कर अंदर इधर उधर देखा तो उसे खाली कमरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आया था। वो खुशी से अब पूरा दरवाज़ा खोल कर बाहर रही। अभी उसने बाहर 2-3 कदम ही लिए होंगे कि पीछे से किसी ने उसके पेट पर हाथ रख कर उसे अपनी तरफ खींचा था। ये इतना अचानक हुआ था कि निर्मल को भी कुछ समझ नहीं आया था। फाइनली बिल्ली बल से बाहर आ ही गई, दोनों हाथ उसके पेट पर बांधे वो पीछे से उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोले, ये अफान ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो जानता था ऐसे वो बाहर नहीं आएगी। ये क्या बदतमीजी, अफान मुझे छोड़े हैं। वो बढ़ती
लड़कों को गिरफ्तार को संभालते हुए मुश्किल बोली, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, वैसे भी फैरी हम यहाँ हनीमून पर ही आए हैं ना। तो वो अपने हाथों की उंगलियां से उसका पेट सहलाते और अपने होंठ उसके गर्दन तक लाते हमारे लहजे में बोला, ये क्या बकवास है हनान, छोड़े मुझे। उसकी बात पर वो मुश्किल हिम्मत मुतवजा करते गुस्से से बोली, उसकी हाथों की उंगलियों को अपने पेट पर सरसराहट और गर्दन पर उसके लोबों का बोसा उसकी जान निकालने पर दर्द पर था। ये बकवास नहीं फैरी, ये अल्फाज तुमने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले मेरी दोस्त को बोले थे। वो अपने होंठों को उसकी गर्दन पर सहलाते आंखें मोंदे हमार उलूद लहजे में बात कराते हुए बोला, छोड़े मुझे हनान, जो आप उस लड़की के साथ कर रहे थे वो सब क्या था? उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए दो बदल जवाब दे, अच्छा क्या किया था मैंने मेरी जान? आपकी बार उसने घुमा कर दीवार के साथ लगाया था और उसके इर्द गिर्द हाथ रख के उसके जाने का रास्ता मसदूद कर दिया था। आप उस लड़की को चीट कर रहे थे इसलिए मैं ये सब नहीं देख सकती। वो एक नज़र उसे देख कर दोबारा नज़र झुकाते हुए बोले, उसके चेहरे पर बलग्राम उसका देख उसका मन कर रहा था नोच ले, लेकिन अभी वो उसके रहमो करम पर खड़ी थी। वो ऐसा सिर्फ सोच सकती थी लेकिन कर नहीं सकती। तुम्हें कैसे पता फैरी मैं उसे चीट कर रहा था? वो एक हाथ से प्यार से उसके बाल पीछे करते हुए बोला, क्योंकि पहले आप मुझसे मोहब्बत करने के दावे करते थे, पहले आप मुझे कहते थे फैरी मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ? वो जीप से मुंह बनाते उसकी बात उसी को लटाते हुए बोले, उसकी हरकत पर अफरान ने वो मुश्किल अपनी उम्र डालने वाली हंसी को रोका था। वो तो फैरी मैं अब भी कहता हूँ मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ। वो वलहाना नज़रों से उसके हर नक्शा जायजा लेते हुए बोला, ओ प्लीज़ मुझसे ये जुमला ना ही कहिएगा तो अच्छा है, मैं आज देख चुकी हूँ साहब, पता नहीं मेरे से पहले कितनी लड़कियों को ये जुमला बोल चुके हैं। वो गुस्से से उसकी तरह आंखों में देखते हुए बोले, फैरी ऐसा तो कोई जुमला तो बोला ही नहीं मैंने बेला को। अब की बार कंधे चकाते सुकून से बोला, जो आपकी हरकतें हैं बस यही जुमला बोलने की कसर रह गई थी। वो गुस्से से भड़की, चलो अगर मान भी लिया कर रहा था इसमें तुम्हें जलन की हो रही है, तुम कौन सा मुझे पसंद करती हो, तुम कौन सा मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत करती हो? वो उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देखते हुए बोला, उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो जलन का शिकार थी। मुझे क्यों जलन होगी? मेरी तरफ से आप जितनी मर्जी लड़कियों को जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इस बात पर आप सही मानों में वो चौंकी थी और वो उसे पीछे की तरफ धक्का देकर लड़खड़ाती आवाज़ में बोली और उसे दूर जा खड़ी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्यों जलन होने का एहसास हो रहा था। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, लेकिन तुमने हनीमून का बोल कर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अब तुमने उसके करीब नहीं जाने दिया और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही। वो दोबारा उसके पास जाते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने रूबरू खड़े करते हुए बोला, तो जाइए मेरी तरफ से जिसके पास मर्जी जाइए, मुझे अब आपको मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, सोच लो फैरी तुम मुझे खुद किसी और के पास भेज रही हो, बाद में मुझसे गिला मत करना। उसके चेहरे पर उंगली से एक लकीर खींचते हुए बोला, उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था वह जलन का शिकार थी। सोच लिया, आप प्लीज़ मुझे छोड़ें। वो अपनी कमर से उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, ये लो छोड़ दिया, अब तुमने मुझे इजाज़त दी दे ही दी है तो मैं तो चला बेला के पास। वो एक झटके से उसे छोड़ के एक आँख में करते फौरन कमरे से चला गया, जबकि पीछे से गुस्से से करती निर्मल ने उसकी पूछ को वहाँ से जाते देखा। जाओ जिसके पास मर्जी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने पीछे से हाँक लगाई, जिसे वो नज़रअंदाज करता सीटी पर जाते कमरे से चला गया। रहील प्लीज़ मेरे बेटे को ढूंढे, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा। वो रोते हुए उनके सीने से सारा रहा कि मुसलसिल हो रही थी, सलमा तुम फिक्र ना करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। जबकि उसे घर से गए हुए अब काफ़ी वक्त हो गया, रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उसका आता पता किसी को भी नहीं था। परेशान तो वो भी थे लेकिन अपनी बीवी के लिए उन्होंने खुद को मजबूत किया हुआ था। अभी वो अपनी बीवी को तसली दे रहे थे कि सामने से फैजान को आते देख कर वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हें अंदाज़ा भी है हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे? तुम्हारी माँ ने रो रो के अपनी हालत बुरी कर लिया। वो उसका काल पकड़ते गुस्से से बड़के थे। फिजान मेरा बच्चा तुम ठीक हो? सलमा रोते हुए फ़ौरन उसके से के पास जाकर बोले, मम्मा मम्मा मैं नहीं ठीक मम्मा, मुझे ये ज़िंदगी इसके बगैर नहीं चाहिए मम्मा, मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा, वो कैसे किसी और की हो सकती है? वो अपनी माँ गले ला के शिद्दत से रोते हुए बोला और वैसे ही घुटनों के बाल नीचे बैठता चला गया। फिजान प्लीज़ खुद को संभालो, हम इससे उससे भी
प्यारी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। आपने बेटे की बिगड़ी हालत देखी, आंखों उनकी भी आंसुओं से बहती जा रही थी। वो भी उसके साथ नहीं नीचे बैठते, उसके गालों पर हाथ रखते प्यार से बोली, नहीं मामा, कस्बा की जगह कोई नहीं ले सकता, उसके बगैर आपका बेटा कुछ नहीं। मामा प्लीज़ ये शादी रोक दें, प्लीज़ मामा, वो रोते हुए जो छोटे बच्चे की तरह फरियाद कर रहा था। जैसे एक बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो रोते हुए अपने माँ बाप को मजबूर कर देता है वो चीज़ दिलाने पर। फिजान बेटा रहीन ने भी रोते हुए अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख, पापा पापा प्लीज़ उसे बोले मुझसे शादी कर ले, मैं उससे बहुत खुश रहूँगा। पापा वो कहती है वो किसी और से मोहब्बत करती है, आज मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत के फूल खिलते देखे थे, लेकिन पापा वो मोहब्बत के फूल मेरे लिए नहीं थे, वो आंखें मेरे लिए नहीं किसी और को देखने के लिए चमकी थी। ऐसे कैसे पापा, वो किसी और से मोहब्बत कर सकती है, वो तो सिर्फ फजान शाह की थी, नहीं वो मेरी है। आपकी वो खड़े होते अपने बाप के गले आके शिद्दत से रोते रो रहा था रील और समा, बेटे की हालत देख कर दिल पसीज गया था। आज के एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होती है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसी लगी। आपकी राइटिंग की बजाय मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का, ये याद रखिएगा, वरना मैं आइंदा से आपकी राइटर को बोल दूंगी कि जब और रीडर्स ये तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे तो फ़ायदा क्या देने का, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तो उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जजाकल्ला, शुक्रिया।